हेलो दोस्तों, आपको स्वागत करता हूँ तरंग इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में। तो दोस्तों, आपको फास्ट ये जो वीडियो प्ले करके देखा, एक्चुअली ये LG CRT TV का एक फॉल्ट है। तो दोस्तों, आप अंदाज़ा लगा सकते हो ये प्रॉब्लम कौन सा सेक्शन से ये हो सकता है। तो पुराना टेक्नीशियन को भी इसका नॉलेज है कि ये जो फॉल्ट है ये 180 वोल्ट लाइन सप्लाई का प्रॉब्लम अधिकतर होता है, और ESD सही तरीका से एडजस्ट नहीं होगा तो इस तरह प्रॉब्लम हो सकता है। तो दोस्तों, तब भी आपको जो बताना चाहता हूँ इस वीडियो में कि थ्योरी का जो नॉलेज होता है और प्रैक्टिकल का जो नॉलेज होता है वो बहुत फ़र्क है। तो थ्योरी आपको मेंशन ही करना पड़ेगा, थ्योरी आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, और थ्योरी आपको दिमाग में जब आ जाएगा तो तब आप कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो आप रिपेयर कर सकते हो। तब भी कुछ कुछ टाइम आपका थ्योरी तब फेल हो जाएगा कि आपका एक्स्ट्रा दिमाग नहीं देगा। तो इसी तरह ये एक फॉल में रिपेयर करने का वीडियो मैं बनाया, तो आपको लास्ट तक आप देखिए। ये वीडियो देखने के बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कुछ कुछ टाइम भी आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों ये जो फॉल्ट है ये सबको पता है कि अधिकतर 180 वोल्ट लाइन का जो कैपेसिटर होता है, 250 वोल्ट का जो कैपेसिटर, वो प्रॉब्लम से भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों, ये 180 वोल्ट लाइन का दो कैपेसिटर है, वो कैपेसिटर न्यू है, ठीक है। तो चलिए, इसका फॉल्ट कैसे मैं सॉल्व किया तो आप शुरू से लास्ट तक देखिए। न्यू टेक्नीशियन और पुराना टेक्नीशियन सबका बहुत नॉलेज मिल जाएगा। तो चलिए, मैं वीडियो पूरा स्टार्ट करता हूँ और ये जो प्रॉब्लम शुरू से आपको लास्ट तक दिखाता हूँ। चलिए, तो दोस्तों ये जो फॉल्ट है टीवी का, ये टीवी का ESD मैं कुछ दिन पहले ही चेंज किया, ठीक है, और कुछ दिन ये बिल्कुल ओके चल रहा है, और कुछ दिन के बाद इसका फॉल्ट हो गया। और इसका देखिए, पिक्चर का ऊपर शैडो भी आ जाता है, कभी कभी रिक्टस लाइन भी आ जाता है। तो क्या करना पड़ेगा, तो आपको PCB को ओपन करके एक बार दिखाता हूँ। तो दोस्तों, मैं PCB को ओपन किया, TV को बैक कवर ओपन करने के बाद से मैं सप्लाई देने के बाद आपको दिखाता हूँ। अब देखिए, इस तरह उसका स्क्रीन फॉल्ट है, और इसी टाइम आपको देखाऊँगा कि इसका वोल्टेज चेक करके, ठीक है, जो 180 वोल्ट लाइन का, जो 180 वोल्ट का आसपास वोल्टेज होना चाहिए, 200 वोल्ट भी हो सकता है, ये आपको चेक करके दिखाता हूँ, जो बेस बोर्ड पर जाता है मेन PCB से, ठीक है। आप मीटर पर ध्यान दीजिए और आपको क्लियर करके दिखाता हूँ। अब ध्यान से देखिए और आपको स्टेप बाय स्टेप देखूँगा कि इसका फॉल्ट कौन कौन सेक्शन से और हो सकता है। तो फर्स्ट देखिए, ये 180 वोल्ट लाइन पर वोल्टेज कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये जो कैपेसिटर है, और ये कैपेसिटर का ऊपर साइड ये नेगेटिव है, और बीच में एक डायोड है, और डायोड का साथ वो नेगेटिव पॉइंट का साथ कनेक्शन है, यहाँ पर माइनस वोल्ट है मौजूद है। तो लगता है कि इसका 180 वोल्ट लाइन ये अभी ये पर मौजूद नहीं है, तो इसीलिए आपको PCB पर दिखाता हूँ। देखिए, ये पॉइंट से 180 वोल्ट लाइन आउटपुट होता है, देखिए यहाँ पर तब भी वोल्टेज 143 वोल्ट, तब भी यह लाइन पर 180 वोल्ट नहीं है, और ESD से ये वोल्टेज आउटपुट होता है, आप खुद देख लीजिए 143 वोल्ट का आसपास। तो दोस्तों चलिए, उसके बाद ये बेस को मैं ओपन किया, और बेस के अंदर आप देख सकते हो ये बेस के अंदर एक कैपेसिटर है, ये एक न्यू कैपेसिटर मैं फर्स्ट टाइम ही लगाया, क्योंकि ESD चेंज करने का समय, ठीक है, तो तब भी ये कैपेसिटर फॉल्ट हो सकता है, मैं न्यू और एक कैपेसिटर लगाऊंगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, आप अच्छा करके ये PCB देख लीजिए, ठीक है, और लगाने के बाद क्या रिजल्ट आता है ये भी आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों, वो कैपेसिटर मैं न्यू लगाया, और मन में लगता है कि ये जो 180 वोल्ट लाइन का पॉइंट है, ये जो लाइन यहाँ से जाता है, इसका जो पॉइंट ही लूज कॉन्टैक्ट हो सकता है इसलिए, और ये कैपेसिटर भी प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन दोस्तों ये कैपेसिटर न्यू है, ठीक है, और ये डायोड भी प्रॉब्लम हो सकता है, ये 180 वोल्ट लाइन का ये डायोड भी मैं चेंज किया, और ये वायर को मैं PCB के साथ डायरेक्ट कनेक्ट किया, क्योंकि वो एक जैक का थ्रू कनेक्ट है, कभी कभी अधिक टाइम ये जैक लूज हो जाता है। तो आपको और क्लियर करके देखा तो आप ध्यान दीजिए, तो मैं बहुत क्लियर करके आपको देखाऊंगा, देखने की कोशिश करूंगा कि तब भी मैं पार्टी के घर पर ये कर रहा हूँ। देखिए, ये 180 वोल्ट लाइन का जो पॉइंट है, ये से मैं कनेक्ट करके बेस बोर्ड पर कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो तब भी आपको इस टाइम दिखाता हूँ कि देखिए, मैं बेस बोर्ड का कैपेसिटर भी चेंज किया, ठीक है, और मैं ये डायरेक्ट पॉइंट का साथ ये कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने का बाद एक बार वोल्टेज चेक करके आपको देखाऊंगा कि वोल्टेज आता है कि नहीं। मेनली आपको वोल्टेज ठीक करना पड़ेगा, तब आपको पिक्चर जो अच्छा क्वालिटी होना चाहिए तब होगा, तब बुके होगा, ठीक है। और मीटर पर आप फॉलो कीजिए,
मैं मीटर को आपको क्लियर करके दिखाता हूँ। देखिए 200 वोल्ट डीसी रेंज पर रखा है और यहाँ पर वोल्टेज देखिए दोस्तों 180 वोल्ट आने के बाद साथ साथ 156 वोल्ट हो गया, तो क्या लगता है। और ये जो बेस पिन पर वोल्टेज आपको दिखाता हूँ, देखिए ये बेस पिन पर जो वोल्टेज आना चाहिए 180 वोल्ट, यहाँ पर भी 180 वोल्ट अभी नहीं है लेकिन 158 वोल्ट ये आ गया। ठीक है, लगता है कि ये वोल्टेज कांस्टेंट होगा तो पिक्चर आ जाएगा। और ये पिन पर कैपेसिटर का ये नेगेटिव का साथ बीच में एक डायरेक्ट कनेक्शन है, यहाँ पर भी वोल्टेज ओके है, तो और क्या देखना पड़ेगा। तो एक बार आपको पिक्चर देखा तो देखिए इसका जो शैडो ये अभी नहीं देखा जाता है, तो तब भी आपको एक बार पिक्चर देखे देखना पड़ेगा क्या रिजल्ट आता है। तो चलिए मैं पिक्चर दे देता हूँ। तो दोस्तों अब देख सकते हो इसका जो बेस का जो 180 वोल्ट लाइन का वायर, ये भी मैं अलग सा डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया क्योंकि वहाँ से लूज कॉन्टैक्ट हो सकता है। ठीक है, और चलिए आपको इस टाइम पिक्चर देखिए एक बार दिखाता हूँ। देखिए देखिए तब भी दोस्तों इसका पिक्चर क्लियर नहीं है, तब भी इसका पिक्चर का ऊपर शैडो है। ठीक है, तो कभी कभी ये ठीक हो जाता है, कभी कभी ये शैडो आ जाता है, तो अधिक टाइम इसका शैडो ही देखा जाता है, तो ये कैसे सही करे। तो दोस्तों इसी का बाद कुछ भी टेक्नीशियन को दिमाग बिगड़ जाएगा कि इसका ESD तो न्यू है, क्योंकि ESD शॉर्ट होने का वजह इसका आउटपुट ट्रांजिस्टर बार बार शॉर्ट होने का प्रॉब्लम था, और 180 वोल्ट लाइन का डायोड तो चेंज कर दिया, और यहाँ पर जो कैपेसिटर बेस वोल्ट का कैपेसिटर ये भी चेंज कर दिया। और इसी टाइम आप देखिए इसका वोल्टेज देखिए बहुत डाउन हो गया है। अब फॉलो कीजिए मीटर पर जो 156 वोल्ट के आसपास आ गया वो भी डाउन हो गया, तो क्या करना पड़ेगा और क्या चेंज करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये जो थ्योरी का जो काम होता है यहाँ पर 180 वोल्ट आना चाहिए लेकिन इसका सब कुछ पर्स न्यू है, तब इसका बाद आप क्या करोगे, ये सबसे बड़ा बात है। तो दोस्तों मैं ये प्रॉब्लम को कैसे रिपेयर किया आपको दिखाता हूँ, तब देखिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा। तो दिमाग तो सबका ही बिगड़ जाएगा, तो थोड़ा टाइम लग गया। और ये कैपेसिटर नो न्यू है, बेस वोल्ट कैपेसिटर न्यू है, आपको बार बार बताया, तो आपको और एक बार क्लियर करके देखा तो कि इसका बेस वोल्ट पर कैपेसिटर आप देख सकते हो एक ही कैपेसिटर है, लेकिन कुछ कुछ बेस वोल्ट का अंदर 3 कैपेसिटर देखा जाता है LG का। ठीक है, और चाइना किट के अंदर एक ही कैपेसिटर देखा जाता है मेन 180 वोल्ट लाइन का अंदर। ठीक है, और आप देख सकते हो, तो क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये जो 180 वोल्ट का जो लाइन होता है ये नेगेटिव पर वोल्टेज देखिए दोस्तों ये -100 वोल्ट का आसपास ये है, लेकिन पॉजिटिव वोल्ट डाउन क्यों हो जाता है। तो मैं इसका जो वायर जो 180 वोल्ट का वायर ये तो मैं डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया PCB से। ठीक है, तब ये होना नहीं चाहिए। तो चलिए इसका बाद एक एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा मैं क्या किया। दोस्तों देखिए ये जो 180 वोल्ट लाइन है ये लाइन से मैं एक कैपेसिटर लगाया, एक्स्ट्रा कैपेसिटर जो 250 वोल्ट का कैपेसिटर 10 माइक्रोफेरेड का, और इसका जो अलग पिन ये बेस बोर्ड का नेगेटिव पॉइंट का साथ मैं कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और ये जिस तरह कनेक्शन ये देखिए बेस बोर्ड PC मेन PCB के अंदर जिस तरह वो एक कैपेसिटर है, वो कैपेसिटर जिस तरह कनेक्शन उस सेम तरह मैं कनेक्शन कर दिया, क्योंकि दोस्तों ये कैपेसिटर ये न्यू कैपेसिटर है, वो न्यू कैपेसिटर वो भी प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो एक्चुअली वो किल्टन का कैपेसिटर है, तो कुछ भी दिमाग नहीं आएगा कि वो फॉल्ट होगा। तो तभी देखिए मैं वो कैपेसिटर लगाने का बाद आपको एक बार वोल्टेज चेक करके दिखाता हूँ कि देखिए इसका 180 वोल्ट लाइन पर, तो देखिए मीटर पर देखिए वोल्टेज 197 वोल्ट आ गया। ठीक है दोस्तों 197.8 वोल्ट, तो ये 200 वोल्ट भी हो सकता है, तो ये वोल्टेज पूरा स्टैंड हो गया और कुछ भी अप डाउन प्रॉब्लम नहीं है, तो पिक्चर तो ओके होना चाहिए। तो चलिए मैं पिक्चर दे के आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखिए इसका जो पिक्चर बिल्कुल ओके आ गया। तो दोस्तों उम्मीद करते हुए वीडियो देखने के बाद आपका एक्स्ट्रा एक नॉलेज मिल गया। दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और ये चैनल पर आप नया है तो प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। और दोस्तों आप सबके लिए मैं एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया, ठीक है, वो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर देख के रखा है, आपका अपना प्रॉब्लम आप डिस्कस करने के लिए ग्रुप पर आ सकते हो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रॉब्लम के बारे में। ठीक है दोस्तों, और मेरा जो
सभी वीडियो के अंदर ये ग्रुप लिंक देख के रखा है और बहुत कुछ अमेजन लिंक देख के रखा है, आप अमेजन से कुछ भी प्रोडक्ट खरीद कर सकते हो।